जनवर टाइम्स के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ सोहेल। एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड जारी। एमपीपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2019 एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के साथ एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम का भी आयोजन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए रजिस्टर किया है वे एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा एमपी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम और राज्य वन सेवा प्रीलिम्स परीक्षा एमपी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम दोनों परीक्षाओं में दो पेपर होंगे। दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ होंगे जिन्हें करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होगा जबकि दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 2 अंक का रहेगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। बता दें कि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग परीक्षा है और इस परीक्षा में किए गए स्कोर के आधार पर मेन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जनवर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए जनवर टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।